देखिए सिंपली आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और बोर्ड एग्जाम के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो 2 मार्क्स के मैप आएंगे वो आपको गारंटीड आप सही करके जाओगे। जी हाँ, क्योंकि आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स रिलेटेड ये वीडियो काफी शॉर्ट है तो प्लीज इसे वॉच कीजिएगा पूरा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें डिस्कस की गई है जो आपके सिलेबस में गिवन है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो मैप वाला पार्ट होगा ना सेक्शन, वो 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 2 मार्क्स होंगे हिस्ट्री के और 3 मार्क्स होंगे ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी के मैं आपको आने वाले टाइम में कवर कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कवर कर रहे हैं 2 मार्क्स। और अच्छी बात पता है क्या, ये जो आपके मैप है वो आपके एक सिंगल चैप्टर से ही आ रहा है जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम जो जो पार्ट है उसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है वो कांग्रेस के जो वेरियस सेशन थे ना उनसे रिलेटेड। अब बेसिकली आपको आपकी बुक में 3 ही गिवन है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही आपसे पूछा जाएगा। तो पहला जो सेशन था वो सितंबर 1920 का था जो कि कलकत्ता में हुआ था। सेकंड जो सेशन था वो दिसंबर 1920 का ही था, नागपुर का था। और थर्ड जो सेशन था 1927 का था जो मद्रास सेशन था। तीनों को नाम याद रखिएगा, कंफ्यूजन होते हैं दो में, यानी कि 1920 तो आपने ईयर याद कर लिया, लेकिन अगर आप मंथ नहीं करके होगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको कंडीशन ही दी जाएगी। जैसे कलकत्ता का सेशन सितंबर में हुआ था जबकि नागपुर का सेशन दिसंबर में होता, तो इसमें मंथ में डिफरेंट है। अब यहां पे लोकेशन आप देख लीजिएगा, ये सारी लोकेशन है। और छोटी सी अगर समरी आपके अपने माइंड में रखनी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे 1920 का कलकत्ता सेशन जो था लाला लाजपत राय जी की प्रेसिडेंसी में किया गया था, और जो 20 वाला था दिसंबर वाला ही, उसके अंदर गांधी जी एक सुप्रीम लीडर बन के उभरे थे जिसके अंदर शुरुआत की गई थी नॉन मूवमेंट की, ठीक है। इसके अलावा अगर मद्रास के सेशन की बात करें तो इसमें साइमन कमीशन के अगेंस्ट, यानी कि साइमन गो बैक वाला जो नारा ना बड़ा फेमस, उसके बारे में बात की गई थी। और ये जो साइमन कमीशन था वो ये था कि इसके अंदर इंडियंस कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, दैट इज व्हाई कि इंडिया ने इसको बॉयकॉट करने की बात करी थी, कि वो बोल रहे थे कि हम आपके देश के अंदर सुधार लाएंगे और सारे रिप्रेजेंटेटिव खुद अंग्रेज होंगे, मतलब इंडिया का कोई होगा ही नहीं, तो फिर किस बात का सुधार भाई जब इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये था साइमन कमीशन से रिलेटेड मद्रास सेशन 27 का। तो ये कांग्रेस के सेशन आपको याद हो गए। दूसरा देखिए सत्याग्रह मूवमेंट। अब सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, क्योंकि गांधी जी खुद एक अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि ट्रुथ के ऊपर बेस रहना और नॉन वायलेंस चीजों को अपनाना, तो वो उनके बेसिक 2 प्रिंसिपल माने जाते हैं। सत्याग्रह के मूवमेंट कहां-कहां पर है उसे देख लीजिएगा। 3 ही आपको याद रखने, एक खेड़ा, दूसरा चंपारण, तीसरा अहमदाबाद। अब खेड़ा जो है वो गुजरात के अंदर जगह है, चंपारण जो है वो बिहार के अंदर जगह है, और अहमदाबाद जो है वो गुजरात के अंदर जगह है। खेड़ा वाला जो सीन था वो किसानों से रिलेटेड था, क्योंकि भैया उनके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था, फसल पूरी खराब हो चुकी थी, तो ऐसे में एक तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मतलब सत्याग्रह के बेसिस पर, जिसमें गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज करवाया था, मतलब सेटलमेंट करवाई थी अंग्रेजों और किसानों के बीच में। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी रोल था, ठीक है। चंपारण जो था वो एक इंडिगो से रिलेटेड था प्लांटेटर, यानी कि वहां पर नील की खेती होती थी और लोगों को वहां के किसानों को जबरदस्ती जाता था कि आप अपना जो मेन कल्टीवेशन करते हो खेती करते हो उसे नहीं करना, आपको नील की खेती करना, क्योंकि इनसे उनको फायदा होता था। अंग्रेज ये बाहर देशों में बेचते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हमें किसानों को देखने को मिला। फिर गांधी जी आ गए, उन्होंने सेटलमेंट करवा डाली। अहमदाबाद मिल वर्कर में बोनस की बात हुई थी, क्योंकि भैया पेंडेमिक आया था और पूरा काम चौपट हो गया था, बोनस बोला था कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट दी जाएगी, बोनस भी दिया जाएगा, लेकिन वहां दिया नहीं, तो वहां पर मिल वर्कर्स ने इनके अगेंस्ट में बात करी, तो फिर गांधी जी ने इनके बीच में अंग्रेजों और मिल वर्कर्स के बीच में सेटलमेंट करवा दी। तो ये तीनों सत्याग्रह मूवमेंट जो थे गांधी जी के थे, तो आप याद रखिएगा। पहला जो था इसके अंदर वो चंपारण वाला था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसिडेंट की बात करें, आपसे एग्जाम में इंसिडेंट पूछे जा सकते हैं, वेरियस इंसिडेंट है जिसके अंदर अमृतसर, चोरा चोरी और डांडी, यही 3 आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी आ सकता है। अब अगर अमृतसर की बात करें तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हमें अमृतसर में देखने को मिला था, अमृतसर जो है वो पंजाब में, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी वहां की एक असेंबली के ऊपर जो बैठे थे एक साथ रेड जोन एरिया के अंदर। चोरा चोरी जो यूपी के अंदर जगह है, तो यहां पे एक तरीके से जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसे कॉल ऑफ किया गया था, यानी वापस ले लिया गया था, क्योंकि आम जनता का पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मर भी गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की बात करी थी। दांडी जो था वो सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में लड़ा गया था, जिसमें दांडी
दिल्ली गुजरात में ही एक जगह का नाम है जिसमें गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसकी एक लंबी यात्रा करते हैं और बाद में चल के सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों इंसिडेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट समरी में मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों सेशन हुए थे, खेड़ा वाला पीजेंट सत्याग्रह था, चंपारण जो था वो इंडिगो प्लांटेटर से रिलेटेड था, अहमदाबाद के अंदर जो था वो कॉटन मिल वर्कर था, अमृतसर का जलियांवाला बाग मैसेकर और चोरा चोरी घटना कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और 1930 का सिविल डिसऑबिडेंस। होप्स हो कि आपको सारी चीजें क्विक तरीके से समझ आ चुकी होगी। ज्यादा नहीं सोचना, मैथ सिर्फ दो ही नंबर का है, क्विक तरीके से ये 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको समझ भी आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, गारंटीड है कि इनसे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।